टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं। मैं वो शख्स हूँ जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है VSLD एजुकेशन अड्डा। मैं सर्वप्रथम सरस्वती माँ के चरणों में अपने शीश को नमन करता हूँ और हम लोग ये टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए, तो जैसा कि हमारा टॉपिक जो है इस समय वो है मुगलकालीन ऐतिहासिक इमारतें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, मध्यकालीन भारत में, जो कि हमारा मुगल सीरीज चल रही है और उसमें अभी तक हम लोगों ने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, स्थापत्य कला में जो भी इमारतें बनवाई गई थी उसको हमने बहुत ही अच्छे से, उसका विस्तार पूर्वक से हमने अध्ययन भी कर लिया है और हमने उन सभी टॉपिक को कवर भी कर लिया है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आज हम इस टॉपिक में आज शाहजहां स्थापत्य कला, शाहजहां वास्तुकला के बारे में जानेंगे कि शाहजहां स्थापत्य कला जो है ये क्या है, इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है, और इसके शासनकाल में जो बेहतरीन इमारतें बनवाई गई हैं उन सभी का आज विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। और शाहजहां स्थापत्य कला में जो हमारे पार्ट हैं वो पार्ट 7 के 4 का ही हम लोग आज लेके आए हैं, क्योंकि शाहजहां स्थापत्य कला बहुत बड़ा चैप्टर है एक तरीके से, क्योंकि शाहजहां ने सर्वाधिक इमारतों का निर्माण कराया है तो उसकी जो भी इमारतें हैं उसको समझना बहुत थोड़ा लेंथी हो जाता है क्योंकि बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया है। और मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाए हर एक इमारत की। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग आज शाहजहां स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे, वास्तुकला के बारे में, ठीक है, जो कि हमारा पार्ट जो है वो 7 के 4 का ए हम लोग लेके आए हैं आज, ठीक है। तो चलिए पार्ट 7 के 4 का ए हम लोग देखते हैं। शाहजहां शासनकाल में जो भी इमारतें बनवाई गई हैं, शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 के बीच में रहा था, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शाहजहां ने स्थापत्य कला की ओर ज्यादा ध्यान दिया। शाहजहां की हम लोग बात करें तो शाहजहां का जो काल था वो स्थापत्य कला एवं वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शाहजहां का ही शासनकाल या शाहजहां ही एक ऐसा मुगल सम्राट है जिसके शासनकाल में सर्वाधिक भवनों का एवं सर्वाधिक इमारतों का निर्माण कराया गया है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सर्वाधिक इमारतों एवं भवनों का जो निर्माण कराया गया है वो किस मुगल शासक के शासनकाल में कराया गया है? तो वो शाहजहां के शासनकाल में कराया गया है। तो शाहजहां ने अपने शासनकाल में विशेष ध्यान जो दिया है सर्वाधिक, एक तो उसने गुम्बज वाली इमारतों को बनवाने में विशेष ध्यान दिया और संगमरमर पर भी विशेष ध्यान दिया। जितनी भी उसकी इमारतें हम लोग देखेंगे तो उसमें संगमरमर का ज्यादा प्रयोग किया गया है शाहजहां के शासनकाल में, जो शाहजहां के द्वारा इमारतें बनवाई गई हैं, ठीक है। अच्छा, शाहजहां के शासनकाल में जो गुम्बज वाली इमारतें बनवाई जाती थी उन इमारतों को अमरूदी गुम्बज के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि वो एक अमरूद शेप टाइप में जो थी वो गुम्बजें उनका निर्माण कराया जाता था। और बात कर लेते हैं, देखिए शाहजहां के शासनकाल में संगमरमर का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, इसलिए जो संगमरमर का पत्थर था वो राजस्थान के जोधपुर के मकराना नामक जिले से मंगवाया जाता था शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि जो मुगल काल में या शाहजहां के शासनकाल में जो संगमरमर का पत्थर मंगवाया जाता था वो कहां से आता था? तो वो राजस्थान के जोधपुर के मकराना जिले से मंगवाया जाता था या लाया जाता था, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए शाहजहां के शासनकाल में सर्वाधिक इमारतें बनवाई गई हैं, इसलिए शाहजहां ने अपने सरकारी राजस्व का या खजाने का करीबन 60 से 70% जो खर्चा किया था वो इमारतों एवं भवनों के निर्माण में ही उसने खर्चा कर दिया था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इमारतें उसने बनवाई और विशेष ध्यान जो दिया उसने इमारतें बनवाने में ही विशेष ध्यान दिया था। चलिए और बात कर लेते हैं। देखिए सर्वाधिक संगमरमर का प्रयोग जो हुआ है वो किसके शासनकाल में हुआ है? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ है, इसलिए शाहजहां के शासनकाल को संगमरमर का युग भी कहा जाता है, ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। चलिए और बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं शाहजहां के शासनकाल में जो इमारतें बनवाई गई हैं उसमें क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं हम लोगों को, तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए शाहजहां का शासनकाल जो है वो 1627 से 1658 के बीच में शाहजहां का शासनकाल रहा था, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए शाहजहां के शासनकाल में जो भी इमारतें बनवाई गई हैं, अकबर के शासनकाल में जो इमारतें बनवाई गई उससे बहुत ही चमक धमक वाली इमारतें शाहजहां के शासनकाल में बनवाई गई। इसका एक कारण यह था कि शाहजहां के शासनकाल में सर्वाधिक संगमरमर का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो देखिए शाहजहां के शासनकाल में जो भी इमारतें बनवाई गई उसमें संगमरमर की चमक धमक दिखाई पड़ती है, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं। शाहजहां ने जो अपने शासनकाल में इमारतें बनवाई उसमें मुस्लिम शैली और हिंदू शैली दोनों शैलियां भी दिखाई देती हैं उसकी इमारतों में, ठीक है। जो भी डिजाइन है उन इमारतों का उसमें हिंदू शैली भी दिखाई देती है और मुस्लिम शैली भी दिखाई देती है, ठीक है। देखिए मुस्लिम शैली में उसने ईरानी शैली का भी प्रयोग किया है, फारसी शैली का भी प्रयोग किया है, तितरदुआ शैली का प्रयोग उसने ताजमहल में करवाया है, ठीक है, जो मुमताज महल का मकबरा है। चलिए और फारसी शैली का भी उसने प्रयोग किया है, प्रयोग करवाया है अपनी इमारतों में, ठीक है, जो कि चीनी का रोजा है ना, मैंने कहा था ना पाया है चीनी का रोजा, और इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, चीनी के रोजे को देखेंगे, ठीक है, फारसी शैली में जो उसने निर्माण कराया है। चलिए हिंदू शैली में जैसे बात करें उसने देखिए बंगाली शैली का प्रयोग किया, गुजराती शैली का प्रयोग किया, बौद्ध शैली का भी प्रयोग किया है, तो काफी शैलियों का उसने प्रयोग किया। इसलिए शाहजहां के शासनकाल में जो इमारतें बनवाई गई हैं उसमें हिंदू शैली और मुस्लिम शैली दोनों का एक मिश्रण दिखाई देता है, ठीक है। अकबर के शासनकाल में भी जो भी इमारतें बनवाई गई हैं उसमें भी हिंदू शैली और मुस्लिम शैली दोनों का ही मिश्रण देखने को मिलता है। चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। देखिए शाहजहां ने अपनी इमारतों में, ठीक है, इमारतों में सजावट का जो तरीका था
वो बहुत सुंदर था। शाहजहां ने जितनी भी अपनी इमारतें बनवाई गई हैं या बनवाई हैं, ठीक है, उन इमारतों में सजावट का तरीका बहुत ही ज्यादा सुंदर था। चमक दमक तो संगमरमर से दिखाई देती ही थी उसकी इमारतों में, लेकिन सजावट जो थी वो बहुत ही प्यारी तरीके से उसने सजावट करवाई अपनी इमारतों में, ठीक है, जिसमें उसने देखो फूल पत्तियां लगवाई, ठीक है, हीरे जवाहरात भी उसने अपनी इमारतों में जड़वाए, संगमरमर का तो सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया, ठीक है, पक्षीकारी भी उसने बहुत ही सुंदर तरीके से करवाई अपनी इमारतों में, ठीक है, कलश जो कि हिंदू धर्म का एक प्रतीक है या एक वतन के रूप में माना जाता है, उसके उसमें भी उसने फूलकारी का एक अलग ही नमूना पेश किया। तो ये काफी चीजें थी उसके शासनकाल में। और भी देखिए, उसने अपनी इमारतों में संगमरमर के द्वारा सुंदर फर्श एवं मेहराब स्वर्ण एवं रंगों से सजे हुए थे। मतलब जो शाहजहां के शासनकाल में जो इमारतें हैं उनमें जो फर्श था, पहले वो फर्श जो था वो बलुआ पत्थर से इन चीजों से निर्मित रहता था, लेकिन शाहजहां का शासनकाल आया तो उसमें उसने अपनी इमारतों में फर्शों में मेहराब, मेहराब का मतलब होता है संगमरमर से सजाया जाता था, फूल उकेरे जाते थे फर्शों पर, तो बहुत सुंदर आकृतियां दिखाई देती हैं, ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में फर्शों पर, ठीक है। उसने देखिए बाग, बगीचे, फुब्बारे, नहरें आदि का भी निर्माण कराया अपनी इमारतों के आसपास, ठीक है। शाहजहां के शासनकाल में जो इमारतें हैं उनकी छतों पर अद्भुत आकृतियां दिखाई देती हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियां, पक्षियों की आकृतियां हैं, फूल बने हुए हैं, कलश बने हुए हैं, उन कलश के अंदर फूल रखे हुए दिखाई देते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर तरीके से उसने डिजाइन का भी उसने डिजाइन तैयार करवाया था, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से सुंदरता के रूप में शाहजहां की इमारतों को याद किया जाता है। चलिए और बात कर लेते हैं। देखिए शाहजहां के शासनकाल में जो प्रमुख इमारतें हम लोग जिनका अध्ययन करेंगे आज वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे उसने कई बागों का निर्माण कराया था। देखिए बाग में उसने एक शालीमार बाग बनवाया था जो कि लाहौर में है। एक शालीमार बाग जो है वो जम्मू कश्मीर में भी है, जो जहांगीर ने बनवाया था, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा बिल्कुल भी, ठीक है। एक जम्मू कश्मीर में है शालीमार बाग जो जहांगीर ने बनवाया था, एक लाहौर में है शालीमार बाग जो किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। जहांगीर के शालीमार बाग से ही प्रेरणा लेकर और चार मीनार में जो बाग बगीचे थे उनसे प्रेरणा लेकर शाहजहां ने शालीमार बाग का निर्माण कराया था लाहौर में, ठीक है। और निशान बाग से भी थोड़ा सा खफा होकर मैं पूरी हिस्ट्री बताऊंगा आपको उसके बारे में, ठीक है। देखिए निशान बाग आ गया, तो निशान बाग जो कश्मीर में है, ठीक है, इसका भी निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ। हालांकि इसका निर्माण निशान बाग का शाहजहां ने नहीं करवाया, उनके ससुर आसफ खान ने करवाया था, ठीक है। एक हयात बाग था जो कि दिल्ली में था, इसका निर्माण बहादुर शाह जफर द्वितीय ने करवाया था, ठीक है, लेकिन इसी में हम लोग पढ़ लेंगे क्योंकि दिल्ली में ही है और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। चलिए और बात करते हैं कालकोटरा मुगल बाग जो कि दिल्ली के किले के अंदर है, ठीक है, ये भी किसने बनवाया, शाहजहां ने। अंगूरी बाग जो कि आगरा के किले में है, ये भी शाहजहां ने बनवाया। चलिए देखिए कई मस्जिदें भी शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी, जैसे आगरा की मोती मस्जिद, ठीक है, जैसे लाहौर की मोती मस्जिद। देखिए लाहौर की मोती मस्जिद पर थोड़ा सा यह है, एक विवाद है, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि लाहौर का जब निर्माण हो रहा था तो लाहौर की मस्जिद अकबर ने बनवाई, उसका मॉडिफाई जो करवाया उसको वो जहांगीर ने करवाया, लेकिन एनसीईआरटी बुक में जब देखने हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि मोती मस्जिद का निर्माण लाहौर की जहांगीर ने करवाया था, लेकिन मॉडिफाई जो था वो 1648 के समथिंग शाहजहां ने करवाया था। तो इसको भी हम क्लियर करेंगे इस डाउट को भी, ठीक है, अच्छे से। और चलिए और बात कर लेते हैं, आगरा की जामा मस्जिद भी शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी, उनकी बेटी ने भी डिजाइन तैयार किया था, ठीक है, जो उनका नाम था जहानारा, तो ठीक है ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। और दिल्ली की जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई थी, नगीना मस्जिद आगरा की शाहजहां ने बनवाई थी, मीना मस्जिद आगरा की शाहजहां ने बनवाई थी, तो बहुत सारी मस्जिदों का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। देखिए शाहजहां के द्वारा कई शहर भी बसवाए गए थे, ठीक है, जैसे शाहनाबाद जिसे कहते हैं या शाहजहानाबाद जो कि दिल्ली में है, ठीक है, एक शाहजहाबाद एक दिल्ली में भी और शाहजहां ने बसवाया था, एक शाहजहांपुर यूपी में शाहजहां के नाम से ही है, ये भी नगर बसाए गए थे, ठीक है। शाहजहां ने एक सराय का भी निर्माण करवाया था अपने शासनकाल में, हालांकि शाहजहां ने नहीं करवाया था, उसके मंत्री मर्दाना कुली ने इसका निर्माण कराया था जहांगीर सराय का, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं, जहांगीर सराय या जलंधर की सराय जिसे हम कहते हैं, जहांगीर स्थापत्य कला पार्ट 7 के 3 के सी में आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं जालंधर सराय के बारे में, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं, देखिए कई मकबरे भी शाहजहां के शासनकाल में बने, जैसे कि आसफ खां का मकबरा जो कि लाहौर में है, इन्हीं के ससुर का है, ठीक है। अगर आप आसफ खां के मकबरे के बारे में जानना चाहते हैं तो जहांगीर स्थापत्य कला मेरे पार्ट 7 के 3 के सी को देख सकते हैं और उसमें पूरे विस्तार से आसफ खां के मकबरे के बारे में बताया गया है। एक अफजल खां का मकबरा है जिसे चीनी का रोज कहते हैं, जो कि आगरा में है, ठीक है, ये वजीर थे शाहजहां के, तो इनका मकबरा भी शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। एक नूरजहां का मकबरा लाहौर में है जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और अगर आप नूरजहां के मकबरे के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे जहांगीर स्थापत्य कला पार्ट 7 के 3 के बी को प्लेलिस्ट से जाकर देखिए, बहुत अच्छे से मैंने उसमें समझाया है नूरजहां के मकबरे के बारे में, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं, मुमताज महल का मकबरा जिसे ताजमहल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और खुद शाहजहां का मकबरा जो कि आगरा में ही है, ताजमहल में ही है, ठीक है, मुमताज महल के मकबरे के पास में ही, तो इसको भी हम बहुत अच्छे से जानेंगे। चलिए और बात कर लेते हैं,
देखिए उसने कई इमारतें एवं भवन बनवाए थे, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आगरा का किला तो अकबर ने बनवाया था, ठीक है। आगरा की पूरी हिस्ट्री मैंने बता दी है, तो आप मेरे पार्ट अकबर स्थापत्य कला में पार्ट 7 के 2 को जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा विस्तार से अकबर के बारे में या अकबर स्थापत्य कला के बारे में समझाया है, ठीक है। तो इसी आगरा के किले में अकबर के द्वारा 2 इमारतें बनवाई गई, बाकी की जो इमारतें थी वो शाहजहां ने तोड़वा दी थी। अकबर के द्वारा बनवाई गई जो इमारतें थी और खुद अपने मनचाही इमारतों का निर्माण कराया था आगरा के किले में, जिसमें दीवाने आम, ठीक है, जो कि 1627 में बना था, दीवाने खास जो कि 1637 में बना था, मोती मस्जिद आगरा की, ठीक है, किसने बनवाई थी, शाहजहां ने ही बनवाई थी, ठीक है। जामा मस्जिद भी आगरा की शाहजहां ने 1648 में बनवाई थी, नगीना मस्जिद भी 1631 में शाहजहां ने बनवाई थी, और आगरा के किले में शीश महल, खास महल, हेरे वशी जो थी वो आगरा के किले में पानी की एक व्यवस्था थी, तो इसका भी निर्माण कराया था शाहजहां ने। अंगूरी बाग का भी निर्माण कराया था, मच्छी बाग का, झरोका दर्शन का, मीना मस्जिद का, मुजस्सम बुर्ज का, रंग महल का, ठीक है, शाही बुर्ज का और शाहजहां महल का भी निर्माण आगरा के किले में किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। तो बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया, इसलिए हम लोग पार्ट वाइज इसको अध्ययन करेंगे, जिससे कि हमारी वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। चलिए, और लाहौर के किले में देखिए ये कि ये भी लाहौर का किला जो था अकबर ने बनवाया था, लेकिन इसमें जो प्रमुख इमारतें थी वो शाहजहां ने बनवाई थी, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, नौलखा महल, ख्वाब महल, मोती मस्जिद 1645 में इसको मॉडिफाई कराया था शाहजहां ने, तो उसको भी देखेंगे ध्यान से, शाही बुर्ज, ठीक है। चलिए अब आ जाता है दिल्ली का किला, ठीक है, जहां पर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जो है वो 15 अगस्त को तिरंगा भी फहराते हैं और भाषण भी देते हैं, है ना, दिल्ली का लाल किला जो है। चलिए, ये भी शाहजहां ने बनवाया था और इसके अंदर जो इमारतें थी वो भी शाहजहां ने बनवाई थी, जैसे दीवाने आम, ठीक है, दीवाने खास, जामा मस्जिद, ठीक है, मोती मस्जिद जो थी इसमें ये औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी दिल्ली के किले के अंदर, ठीक है। हीरा महल शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, नहर वशित शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, शीश महल शाहजहां द्वारा, रंग महल शाहजहां द्वारा, नक्का कारखाना या नौबत खाना जहां संगीत आदि संबंधी कार्यक्रम हुआ करते थे, ठीक है। अच्छा, खास महल और हयात बख्श बाग ये सारे जो है ये कहाँ पर है, दिल्ली के लाल किले के अंदर ही। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है, हयात बख्श बाग जो था दिल्ली में, और मुमताज महल शाहजहां ने बनवाया, दहली गेट शाहजहां ने, लाहौरी गेट शाहजहां ने, हमाम भी था यहाँ शाहजहां ने बनवाया, और चौटा चौक था, ठीक है, चट्टा चौक जो था वो यहाँ पर बाजार आदि का आयोजन किया जाता था उस समय। तो ये सारी जो चीजें थी ये शाहजहां के द्वारा बनवाई गई, जिसमें से एक हयात बाग जो कि बहादुर शाह जफर द्वितीय ने बनवाया था, और एक इसमें मोती मस्जिद जो थी वो औरंगजेब ने बनवाई थी, बाकी की सभी शेष इमारतें जो भी थी वो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी दिल्ली के किले के अंदर। चलिए और बात कर लेते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग जो बाग बनवाए थे शाहजहां ने उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, उनको विस्तार से समझते हैं। शालीमार बाग पर आ जाते हैं, जो कि कहां पर है, लाहौर में है, कहां पर है, लाहौर पाकिस्तान में, ठीक है। देखिए ये शालीमार बाग है, यह है लाहौर के किले का ही हिस्सा है, जो कि अंदर बना हुआ है, ये शालीमार बाग लाहौर के किले के अंदर, ठीक है। शालीमार बाग जो बनवाया गया था ये जहांगीर के जम्मू कश्मीर में जो शालीमार बाग है उसको देखकर व उससे प्रेरणा लेकर इस शालीमार बाग का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है, और चार मीनार के कुछ बागों की भी प्रेरणा ली थी और तब जाके शालीमार बाग का निर्माण कराया था शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां ने शालीमार बाग का जो निर्माण कराया था वो 1641 में करवाया था शाहजहां ने, ठीक है, और इसका डिजाइन भी खुद शाहजहां ने तैयार किया था शालीमार बाग का, और शालीमार बाग को 1981 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था, और 1981 में ही लाहौर के किले को भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं, शालीमार बाग जो है यह चारों तरफ से ऊंची दीवारों से एक घिरा हुआ है, मतलब ये जो बाग है पूरा चार दीवारी से एक तरीके से घिरा हुआ है दीवारों से चारों तरफ से, ठीक है। शालीमार बाग का जो अर्थ है वो है प्रेम या प्यार का वास, ठीक है, शालीमार बाग। अच्छा, शालीमार बाग को अन्य बागों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे फैज बख्श, ठीक है, चार मीनार का बाग, क्योंकि यहाँ से चार मीनार के बागों से प्रेरणा लेकर इस बाग को बनवाया गया था ना, इसलिए चार मीनार का बाग या बगीचा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। फराह बख्श इस शालीमार बाग को कहा जाता है, एवं हयात बख्श के नाम से भी शालीमार बाग को जाना जाता है। फैज बख्श, फराह बख्श और हयात बख्श जो है ये एक तरीके से चबूतरे हैं, ठीक है, जो शालीमार बाग को और सुंदर बनाते हैं, या इन चबूतरों को शालीमार बाग बहुत सुंदर बना देता है, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा शालीमार बाग जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। चलिए और बात कर लेते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग निषाद बाग या निशान बाग या निशांत बाग पर, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। चलिए अब बात कर लेते हैं किसने बनवाया था, तो देखिए निषाद बाग का जो अर्थ है वो होता है कि खुशियों का बाग, ठीक है। निषाद शब्द जो है यह एक अरबी शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है जोश, उल्लास, ऊर्जा, खुशी या रौनक, ठीक है। चलिए इसको बात कर लेते हैं, निषाद बाग जो है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, ठीक है, और इसका जो निर्माण कराया था वो 1633 में आसफ खां के द्वारा करवाया गया था। आसफ खां कौन थे, ठीक है, आसफ खां जो थे वो नूरजहां के भाई थे, मुमताज महल के पिता थे, जहांगीर के साले साहब थे और शाहजहां के ससुर थे, ठीक है। इस निषाद बाग का जो डिजाइन तैयार किया था वो आसफ खां ने ही तैयार किया था, ठीक है, और ये निषाद बाग जो बना था ये शाहजहां के शासनकाल में बना था, लेकिन बनाया किसने था, आसफ खान ने, उनके ससुर थे शाहजहां के, ठीक है। जब निषाद बाग तैयार हो गया था कंप्लीट, तो यह बहुत सुंदर दिखाई देता था, इसमें सुंदर फूल, फल आदि, पत्तियां, फुब्बारे, नहरें आदि सारी चीजें इसमें मौजूद थी, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं, इस बाग को देखकर जब इस बाग का निर्माण हो गया था, तो इस बाग को देखकर शाहजहां इस पर बहुत मोहित हो गए थे, मतलब इतना सुंदर बाग बना था ये, जब इसका निर्माण कंप्लीट, शाहजहां के ससुर से यह बाग उपहार में वह
उन्होंने मांगा था शाहजहां ने अपने ससुर से, जो आसफ खान थे उनसे, यह बाग जो था निषाद बाग जो था वो उपहार में मांगा, बट आसफ खान ने इस बाग को देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और उसी के बाद फिर गुस्से में आकर शाहजहां ने क्या किया, इस बाग में पानी की जो सप्लाई थी उसको बंद करवा दिया था कि ठीक है अगर आप मुझे उपहार में नहीं दोगे तो मैं यहाँ पर पानी की सप्लाई को बंद करवा दूंगा, और उन्होंने बंद करवा दी थी शाहजहां ने। चलिए और बात कर लेते हैं, अब आता है हयात बाग या हयात बाग, ठीक है, या आप इसको हयात वक्ष बाग के नाम से भी पुकार सकते हैं। ठीक है, हयात बाग का अर्थ है, देखिए मैं आपको समझा दूं, जीवनदायी बाग। क्या अर्थ है इसका, जीवनदायी बाग। ठीक है, प्रेजेंट में अगर हम हयात बाग की बात करें तो यह एक ऑफिशियल पार्क है, मतलब औपचारिक उद्यान है जो कि सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये हयात बाग जो है। ठीक है, हयात बाग कहाँ है, ये दिल्ली के किले के अंदर ही है, मतलब दिल्ली में ही है। इसका निर्माण 1842 में बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक है, तो ये था हमारा आज इस पार्ट में शाहजहां स्थापत्य कला में, आज हमने तीन बागों के बारे में अच्छे से जाना, और इसके शेष जो भी बातें रह जाएंगी हम नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से समझेंगे उन चीज़ों को। ठीक है, और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है आपको समझाता हूँ, तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक और एक कमेंट और शेयर तो आप कर ही सकते हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, नमस्कार दोस्तों।